ये हूँ मैं और मेरे पीछे है 3 विजर्ड बॉसेस और एक एंडर ड्रैगन, वो भी सब एक साथ। और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे बनाने पड़े ट्रेडिंग हॉल, ट्राइडेंट फार्म, ट्रेड फार्म, अपना होम बेस और एक जाइंट आयरन का ब्लॉक। लेकिन इस माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज के एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए सबसे पहले मुझे करने थे अपने टूल्स और आर्मर अपग्रेड, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा माइन में। डायमंड्स ढूंढने के लिए माइन में जाना पड़ेगा, बस वहां जाकर मैं मर ना जाऊं, वरना यही मेरी हार्डकोर वर्ल्ड का दी एंड हो जाएगा। एक माइन शाफ्ट मिल जाती तो मजा आ जाता। ये तब से यहाँ थी और लास्ट वीडियो में मैंने नेम टैग के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किया। यार माइन शाफ्ट तो अलग ही लग रही है। एक मिनट, ये एरो किसने मारा? अच्छा जी, हमसे पंगा। थोड़ी देर माइनशाफ्ट एक्सप्लोर करने के बाद ही मुझे मेरे काम की चीज मिल गई। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द ब्रेड। देखो ये शुरू से यहाँ था, काश मैं ये माइनशाफ्ट पहले डिस्कवर कर लेता। ओ वेट, और है? हाँ। वाओ, गोल्डन एप्पल्स और लैपिस ऑब्वियसली, पर गोल्डन एप्पल्स, बस नीचे ना गिर जाऊं। एक मिनट, वो डायमंड है क्या? मेरा पहला गोल था अपने आर्मर और टूल्स के लिए डायमंड ढूंढना, इसलिए मैंने आगे के कुछ दिन डायमंड्स ढूंढने में लगाए। ऑलराइट, काफी डायमंड हो गए अपने पास, बस मुझे अब एक परफेक्ट जगह ढूंढनी है अपने बेस के लिए। बाय आयरन फार्म, वापस फिर मिलेंगे अगर आयरन खत्म हो गया तो। मैं एक एडवेंचर पे निकल गया था कुछ चीजें पीछे छोड़ के, जैसे कि मेरा आयरन ब्लॉक, शीप्स और वो काउज, वो विलेजर्स, नहीं एक्चुअली उनकी याद नहीं आएगी इतनी, पर अब बस आगे बढ़ना था एंड ड्रैगन को मारना था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ओ एक मिनट, एक शिपरेक, नाइस। ओ नो 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 नो, बेबी ज़ॉम्बी नहीं, आज की रात तो ऐसे ही बितानी पड़ेगी, देखते हैं कल क्या होता है। अगले दिन मुझे एक विलेज मिली और फिर क्या था, हेलो विलेजर, अपना रूम टूर तो दो। ओ वाओ, आज से मैं तुम्हारा रूममेट, अपनी चीजें जरा रख दो यार, ये बेड मैं रख रहा हूँ ठीक है, बाकी रेंट वगैरह। गुस्सा हो गया क्या? मैंने फिर वो पूरी विलेज एक्सप्लोर करी, जरूरी चीजें ली, अब मुझे बस एक अच्छी से फ्लैट जगह ढूंढनी थी जहां मैं अपने बेस बना सकूं। बहुत सारी वुड लेने के बाद मैंने बेस की आउटलाइन बनाई, लग तो बढ़िया रहा है, पर बिना बेड और बेसिक आइटम के इसको बेस कैसे बोल सकते हैं। इस जगह के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, पर उससे पहले थोड़ा बाहर से भी इसे अच्छा बनाया जाए। ओ नहीं 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 नहीं, बेस के पास नहीं, प्लीज बेस के पास नहीं, ये फोर्ट क्यों नहीं रहा है? वो इतने क्रीपर्स हैं यहाँ, सबको यहीं स्पॉन होना है। मैंने अपना बेस बना लिया था और अब मुझे जाना था विलेज। विलेज से मैं अपना सारा सामान लेने के बाद और विलेजर्स को थोड़ा परेशान करने के बाद मुझे अंधेरा होने से पहले घर वापस पहुंचना था। देखो आते आते रात ही हो गई और यहाँ एक और क्रीपर मिल गया। अब जल्दी से मैं अपना सामान रख देता हूँ। तो अब बात यह है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे लावा की जरूरत पड़ेगी, और नेदर से अच्छा लावा सोर्स और क्या हो सकता है। पर नेदर पोर्टल बनाने के लिए तो मुझे लगेगा एक मिनट, ऑब्सीडियन कैसे लावा में वाटर डालने से? बढ़िया, अब बस मुझे कुछ और बार करना है। कितना परफेक्ट बनाया है, अब बस फ्लिंट और स्टील चाहिए। रुको, मुझे एक आर्मर स्टैंड भी बनाना है। What? Cobblestone खत्म हो गए? हाँ। रुको, कैसे बनता है ये? अच्छा लग रहा है ना? अब मुझे बनाना है एक ग्रेट फार्म, जिसको बनाने के लिए मुझे आयरन और बोन मील लगने वाले थे। चलो अपने पुराने दोस्त से मिल के आए। हाँ, दोबारा मिल के अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ आया हूँ तो और चीजें भी लेके जाऊँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? एन्चेंटमेंट बुक्स तो काफी सही मिल रही हैं यार। रेड फार्म का सारा सामान लेने के बाद मुझे जरूरत थी एक अच्छी जगह की जहाँ मैं उसे बना पाऊंगा। ये जगह सही लग रही है। रेड फार्म बनाने से मेरे पास अनलिमिटेड टोटम ऑफ अंडाइंग होंगे, जिसका मतलब है ये वर्ल्ड डिलीट होने से बच जाएगा। ऑलमोस्ट तैयारी हो गया है, या जितना ये देखने में इजी लगता है ना, उससे काफी ज्यादा मुश्किल है। रेड फार्म लगभग रेडी था, बस एक विलेजर को यहाँ लाना था। विलेजर भाई जरा इधर आना, तो बस चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। रेड फार्म बन के तैयार था, पर फिर तभी ओ ये कहाँ से आ गया?
मुझे डरा ही दिया था यार। तो रेड फार्म बनाने के बाद और अपने प्यारे दोस्त को नई जगह में बंद, मेरा मतलब है रखने के बाद, मुझे बस एक स्वीपिंग एज एन्चेंटमेंट की जरूरत थी। अब या तो मैं इसे लाइब्रेरियन से आसानी से ले सकूं, या फिर मैं लावा लेता, उसे ऑब्सीडियन बनाता, अपनी डायमंड पिकैक्स से ऑब्सीडियन माइन करता, ऑब्सीडियन बुकशेल्फ और दो डायमंड बर्बाद करने के बाद एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाता, बहुत सारी बुकशेल्फ्स रख के एन्चेंटमेंट रूम बनाता और फिर डायमंड स्वॉर्ड और कुछ लैपिस यूज करके फाइनली स्वीपिंग एज 2 लेता। और तुम्हें पता है मैंने क्या किया? छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास स्वीपिंग एज स्वॉर्ड थी, रेड फार्म था, एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, बस बैड ओमन इफेक्ट नहीं था। और उसको लेने के लिए मैं आया विलेजर्स की बेस्ट फ्रेंड के पास। ओ देखो, वो रही एक प्लेजर पोस्ट, पर वो इनका बड़े माथे वाले सरदार कहाँ है? बिल्कुल शांति से बिना कोई आवाज किए वहाँ जाना है, वरना इनको पता चल जाएगा। अरे देखो ये रहा, अचानक से सामने आ गया। हमला! भाई साहब ये तो काफी आ गए, भागना पड़ेगा। रुक जाओ, तुम दोनों को बाद में देखूंगा। ये मिल गया, अभी बस मुझे इसे मारना है। अब चुपचाप यहाँ से कटना पड़ेगा। देखो वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं गाइस, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या भाग भाग के आ रहे हैं। आजा बेटा आजा, तुझे ही बताता हूँ। अब टाइम आ गया था अपने रेड फार्म को ट्राई करने का। जितनी भी मेहनत की थी अब उसके रिजल्ट दिखने वाले थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि ये फार्म फेल ना हो जाए, पर फिर ये एक्सपी लेवल को तो देखो, इतना तेज एक्सपी लेवल बढ़ते हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखा। रेड खत्म। अब तुम सोचोगे कि मैं दोबारा जाऊंगा वो मैंने इफेक्ट लेने, पर नहीं, मुझे तो बस यहाँ वापस नीचे आना है और रेड फिर से शुरू। सही है ना? ओ देखो, हीरो ऑफ द विलेजर इफेक्ट भी मिल गया मुझे, यानी अब मैं लाइब्रेरियन से सस्ते में एन्चेंटमेंट बुक्स ले सकता हूँ। फाइनली फार्म वर्क कर रहा था, पर सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं हुए थे। देखे तो यहाँ चेस्ट में हमारे लिए क्या है? व्हाट, इतने सारे टोटम्स और एमरल्ड्स भी हैं। ए रुको, मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम ये वर्क कर रहा है, मजा ही आ गया। पर सिर्फ एक टोटम होना काफी नहीं था, मेरे पास अब अनलिमिटेड एमरल्ड्स थे, इसलिए अब जरूरत थी एक ट्रेडिंग हॉल की। अब ट्रेडिंग हॉल के लिए मुझे बहुत सारे ब्लॉक लगने वाले थे। मैं सोच रहा हूँ कि स्मूथ स्टोन से ट्रेडिंग हॉल बनाऊं, एक कोबलस्टोन जनरेटर भी बना लेते हैं, काम आएगा। यार मैं फिर भूल गया, पानी में लावा होता है या ओ लावा में पानी डालना है। गाइस ये एक्चुअली मेरा प्लान था। देखो हमारा नेदर पोर्टल पूरा हो गया। अब सच बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसे बनता है, इससे पक्का मैं कोई गलती करूंगा। अच्छा वो रेड फार्म से रेड स्टोन भी मिलता है।